वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसका टाइटल है सो वीडियो का टाइटल है हाउ वर्ल्ड एंड इंडिया सेलिब्रेटेड इंडियाज इंडिपेंडेंस डे इन 2023 इंडिपेंडेंस डे इन 2023 और इनके चैनल का नेम है कुमार राहुल। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। रशिया कैपिटल में हो रहा है ना ये, टोरंटो इतना मजे का वर्ड बोलने में लगता है टोरंटो। ये कहाँ है? नियाग्रा फॉल्स। हाँ ये कनाडा में है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया। फॉल्स बहुत ही खूबसूरत है। कनाडा था ना वो? हाँ टोरंटो ही था शायद। नहीं नहीं टोरंटो में नहीं है मेरे। एशियन लिविंग इंडियन प्लांट्स। वाओ वाओ जबरदस्त भाई। इंडियन एंड अमेरिकन फ्लैग जस्ट आया यूएसए। इकट्ठा है भाई यूएसए में। मलेशिया कुआलालंपुर ठीक है। मडागास्कर ये अच्छा ये नाम मैंने कार्टून में सुना है, ये मुझे नहीं पता था ये क्या है, ये सिटी है ये मुल्क है पता नहीं क्या। डालस यूएसए स्पेस में है। इटालियन एस्ट्रोनॉट विशेस इंडिया। अच्छा जो इटालियन एस्ट्रोनॉट है ना वो विश कर रहा है। इंटरनेशनल यार कोई रह गया है क्या? कोरिया साउथ कोरिया रेलवे स्टेशन Thank you.
वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मुझे नहीं लगता कोई मुल्क बचा होगा जिसमें सिवाय चाइना के, जिसमें चाइना और पाकिस्तान के, कि जिसमें इंडिया का जो है वो इंडिपेंडेंस डे जो है का कुछ ना कुछ हमें देखने को नहीं मिला। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसमें वहां से भी इनको विश किया गया इंडिपेंडेंस डे। और मैंने अभी रिसेंट एक न्यूज सुनी है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तानी फ्लैग उन्होंने लगाने से शायद मना कर दिया। हाँ, मैंने भी ये सुनी है। पहले 14 अगस्त पे पाकिस्तानी, जैसे हमने देखा इसमें बुर्ज खलीफा में इंडिया का था, पहले पाकिस्तान का भी ऐसे होता था, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है क्योंकि उन्होंने इंडिया का जो है वो लगाया है शायद इसलिए, या पतिया क्या रीजन है ये मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने दुबई वालों ने, और दुबई वालों की पता नहीं क्या पाकिस्तान से आजकल मुझे लगता है कुछ चल रही है, इंडिया के साथ उनके टर्म्स काफी अच्छे हैं। और दूसरा ये कि बड़ी अच्छी बात है ये सारे कंट्रीज में, और ऐसा अगर बाकी सारे कंट्रीज में अगर ऐसा होता है कि इंडिया की वो मतलब जो उनकी फेमस प्लेसेस आप कह लो उसमें अगर इंडिया का ऐसा कुछ वो लगाते हैं, तो क्या इंडिया वाले भी ऐसा करते होंगे बाकी लोगों का, बाकी कंट्रीज का जब इंडिपेंडेंस डे होगा? ये मुझे देखना है, या आप लोग कमेंट करके बताएगा कि ऐसा कुछ होता है अदला बदली में, या क्योंकि वहां पे दूसरे मुल्कों में इंडियंस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ये मैं कहने की वो खुद से करवाते होंगे, मतलब वहां की जो उस मुल्क की गवर्नमेंट है वो थोड़ी ना करती होगी, वो लोग खुद से ऐसे इवेंट जो है। जैसे हमने वो एक कॉन्सर्ट देखा था शायद पता नहीं कौन सा कंट्री था, मुझे भूल गया, तो वहां पे वो लोग खुद उसको करवाते होंगे ना। और दूसरा मुझे जो बहुत जबरदस्त जो चीजें लगी, जो जगह लगी ना, एक वो जो वाटरफॉल था कनाडा में था वो, और दूसरा टोरंटो की जो प्लेसेस थी वो भी बहुत जबरदस्त लगी, और बुर्ज खलीफा तो है ही जबरदस्त। और दूसरा वो जो वो था लास्ट में जो पिक्चर्स उनकी बनाई हुई थी, आई थिंक वो स्काई पे थी कुछ ऐसा, समझ नहीं आई। हाँ, समझ नहीं आई नहीं किसकी थी वो, तो ऐसी बात है उनके कुछ होंगी फेमस प्लेसेस, नहीं वो तो नहीं, वो जो फेमस जो शख्सियत पर्सनालिटी होंगी, एक मुझे लग रहा है मुझे उसका नाम भूल गया, अभी मैं अगले दिन ही उनकी उनका वो वाकया पूरा देख रही थी कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया था, मुझे अब उनका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, शायद वो उनकी होगी, और जो उससे पहले आए थे उनको मैं नहीं जानती, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त एक मुझे वो थीम सा लगा कि कैसे शायद वो स्काई के ऊपर ही बनाई गई थी, और वो किस तरह से विजुअल उसका इफेक्ट दिया गया था वो बड़ा जबरदस्त देखने में अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छा लगा सब कंट्रीज में देख के किस तरह से इंडिया का कुछ ना कुछ वहां पे तिरंगा टाइप की कोई चीज नजर आई। और एक कौन सी जगह थी वो, न्यूयॉर्क थी या कौन सी, जिसमें फ्लैग भी था, वो फ्लैग भी लगा हुआ था, वो एक तो स्काई पे था ना, और एक फ्लैग वैसे भी था यूएसए में था, यूएसए के फ्लैग के साथ ही इंडिया का फ्लैग था ना, वो तो आसमान पे था, जमीन पे जो आसमान जमीन पे भी वहां था यूएसए में, हाँ फ्लैग जो है वो बकायदा वहां पे रोड पे एम्बेसी में हो, एम्बेसी में लगा हुआ, लेकिन वो थी रोड ना, जैसे वो कहते ना एक चौराहा रोड एक इधर जा रही थी किधर रोड के ऊपर लगा था, पता नहीं वो क्या जैसे चौक टाइप होता है वो उस टाइप की थी, तो वो भी बड़ी बात है भाई यूएसए में अगर है तो यूएसए कोई नंबर वन ताकत है दुनिया की, अगर वहां पे हो सकता है तो भाई कुछ बात है किसी मुल्क में तो ही लगा। नहीं ये बात तो हम बाकी बहुत सारी अपने वीडियोस में पहले भी बात कर चुके हैं कि जब से पीएम मोदी आए हैं इंडिया का पहले भी बहुत नाम होगा, लेकिन उनके आने के बाद से अब पूरी दुनिया में जैसे उन्होंने एक इम्पैक्ट बनाया ना इंडिया का, तो वो हमें नजर भी आता है। और जैसे अभी हमने देखा कि हर कंट्री में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो सेलिब्रेशन हो रही है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ ऐसा होना चाहिए हर कंट्री में, क्योंकि जो ओवरसीज होते हैं ना उनके लिए यही चीजें होती हैं। अब उन्होंने भी तो जाहिर बात अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करना है ना किसी तरीके से, तो अगर यहाँ से अगर इंडिया की गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अब दूसरी कंट्रीज में करवा रही है, या वहाँ के जो सिटीजन है वो इस चीज को जो है वो करवा रहे हैं, तो ऐसे इवेंट रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ताकि क्योंकि जब आप बाहर होते हो ना तो आपको जाहिर कहते हैं ना अपनी माँ बहुत याद आती है, तो ये एक आपकी धरती माँ होती है, और इन दिनों पे तो खास तौर पे बहुत ज्यादा जो है वो आपको याद आता है कि अगर आप वहां पे रहते हो तो फिर आप वो करते हो रिकॉल करते हो कि यार मैं अगर वहां पे होता तो मैं इस डे को कैसे सेलिब्रेट करता, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो वहां पे अपना आपका जो है वो इंडिपेंडेंस डे जो है वो ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो फिर आप इतना ज्यादा मिस नहीं करते। और हर कंट्री में मेरे ख्याल से ऐसा है, और अगर जाहिर बात है वो कंट्री वाले परमिशन देते हैं तो फिर ऐसे होता है, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी बात है। और वाकई इंडिया का जो है वो पूरा नाम जो है पूरी दुनिया में जो है वो फैला हुआ है, और आप जैसे कहते हैं कि इंडिया का फ्लैग जो है वो यूएसए के साथ जो है वो स्पेस वो उन्होंने स्काई में भी किया, और जो आपने स्पेस की बात की थी उन्होंने विश किया स्पेस के करीब भी वो जो फ्लैग खाली इंडिया का वो भी लगा हुआ था, और जैसे तिरंगा हमने इंडिया में देखा था कि हर बिल्डिंग जो है वो तिरंगे की तरह सजाई हुई थी, ऐसे बाहर में भी यूएसए में एक छोटी सी बिल्डिंग थी वो स्क्वायर में वो भी तिरंगे में जो है वो सजाई हुई थी, तो बहुत ही जो है खूबसूरत व्यू दे रहा था।
सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।